वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे ऑल्ट के साथ कैसे हम छोटी छोटी कीज बनाते हैं जिनसे काम आसान हो जाता है। देखिए, जैसे मुझे यहाँ पर अगर बॉर्डर करना है इन 6 सेल का, तो मुझे यहाँ पे जाके होम बटन पे और इसके अंदर जा करके बॉर्डर में, और मुझे यहाँ से ये ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करना पड़ता है, तब ये मेरा इस तरह से बॉर्डर होता है। अगर मैं चाहूँ इस बॉर्डर को ऑल्ट की मदद से जल्दी से किया जाए तो कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखा देता हूँ। मान लीजिए हमें इन सेल्स पे इसी तरह का बॉर्डर क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑल्ट बटन प्रेस करेंगे, ऑल्ट, उसके बाद एच यानी होम, और उसके बाद बी और ए। देखिए, जैसे ही मैंने ये कमांड प्रेस की, यहाँ मेरा ये पूरा बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो ये मेरा जो पहला कमांड था ऑल्ट एच बी ए, ये सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ कमांड इसी तरह से एक बार और देख लेते हैं इसको। यहाँ से यहाँ तक का एरिया मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद ऑल्ट एच बी ए, और ये भी बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। तो ये कमांड आज हमने सीखी ऑल्ट एच बी ए। ऑल्ट का मतलब होता है कि जैसे ही हम ऑल्ट प्रेस करते हैं, ये जैसे मैंने ऑल्ट प्रेस किया, तो ये जो हमारे ऊपर फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये जो हमारे होता है टैब, ये ऑन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम एच प्रेस करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम होम में जाना चाहते हैं, ये एच प्रेस करने पे होम प्रेस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बी का मतलब होता है हमें बॉर्डर में जाना है, ये बी लिखा आ रहा है, अगर हम बी प्रेस कर देते हैं तो हम बॉर्डर के अंदर चले जाते हैं, और ए प्रेस करते हैं मतलब ऑल बॉर्डर। तो ये जैसे ही हम ए प्रेस करते हैं वहाँ पर ये बॉर्डर बन जाता है। इसी तरह हमारी दूसरी कमांड है ऑल्ट एच बी टी, यानी कि सेम है उसकी तरह, यहाँ तक बी तक यानी ऑल्ट, फिर उसके बाद होम में जाएंगे एच, बी से बॉर्डर, और टी यानी कि इस बार हमने ए में ए की जगह पर टी कर दिया है दूसरी कमांड में। तो इसका टी का मतलब होता है यहाँ पे थिक, यानी कि ये वाला जो थिक आउटसाइड बॉर्डर। तो अगर हम ये करके देख लेते हैं यहाँ पर ये किस तरह से होगा, ऑल्ट एच बी टी, ये देखिए यहाँ पे थिक बॉर्डर हो चुका है। आउटसाइड का जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा डार्क लाइन है, मोटी लाइन है, तो ये थिक बॉर्डर हो चुका है। तो ये वाला भी कमांड हमारा हो चुका है। ठीक है, और ये वाला भी हो चुका है। अब आते हैं हम ऑल्ट एच बी यू पर। ऑल्ट एच बी ये भी सेम है यहाँ तक, यू यानी ये चेंज हो चुका है। इसमें क्या होगा, यू का मतलब अंडरलाइन, यहाँ पे एक अंडरलाइन हो जाएगी। चलिए मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, ऑल्ट एच बी यू, यहाँ देखिए ये डबल अंडरलाइन हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम इन कमांडों का यूज करते हैं। देखिए, फोर्थ नंबर कमांड है ऑल्ट, ऑल्ट एच बी एन, एन का मतलब था नन यानी निल। ठीक है, तो अगर हमने जैसे यहाँ पे अभी तक बॉर्डर था, यहाँ पे हम बॉर्डर कर रहे थे, यहाँ उसको मोटा कर रहे थे, यहाँ अंडरलाइन कर रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, बॉर्डर हटाने के लिए नील बॉर्डर हट जाएगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये बॉर्डर हो चुका है, तो यहाँ हमें हटाना है, तो इस बॉर्डर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे और ऑल्ट एच बी एन करेंगे, तो यहाँ से बॉर्डर खत्म हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ बॉर्डर नहीं आ रहा है, इतने एरिया से हमारा बॉर्डर हट चुका है। तो ये कमांड होती है हमारी उसको बॉर्डर को हटाने के लिए। उसके बाद आता है ऑल्ट एच, देखिए यहाँ पे इस कमांड में भी ऑल्ट एच सेम है, बस यहाँ से बी था उसके जगह पे एच हो चुका है, और आगे है चूज कलर, ये होती है हमारी कलर फिल करने के लिए कमांड है। जैसे मान लीजिए मेरे को इस एरिया में यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे कलर फिल करना है सेल के अंदर, तो मुझे क्या करना होगा, ऑल्ट एच अगेन एच, किस लिए, क्योंकि मैं यहाँ
होम से इसमें आ चुका हूँ और ये एच होता है फिल कलर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को दोबारा इसमें आना है एच करके, और यहाँ से लिखा हुआ है एच के बाद चूज कलर, यहाँ से मैं कोई सा भी कलर चूज करूंगा और ये यहाँ पर कलर फिल हो जाएगा। देखिए हो चुका है। जैसे मान लीजिए अब मुझे यहाँ पे भी इसको कलर करना है क्योंकि ये मेरी कमांड हो चुकी है, तो मैं इसी कमांड की मदद से इसको करता हूँ। ये कैसे करूंगा, ऑल्ट एच एच, ठीक है। उसके बाद मैंने ये कलर चूज किया और ये एंटर प्रेस किया, ये कलर हो गया। थ्री कमांड होती है कलर फिल करने के लिए सेल के अंदर, ठीक है। सिक्स कमांड है ओल्ड एच एच एन। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ से बॉर्डर को हटाने के लिए नील करने के लिए ये कमांड थी, तो यहाँ पे भी कलर भरने के लिए कमांड थी, लेकिन यहाँ पे ओल्ड एच एच एन है यानी कलर हट जाएगा। देखिए अब मेरे को यहाँ से ये कलर हटाना है इन सेल से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओल्ड एच एच एन, तो ये हट जाएगा यहाँ से कलर जो भी मैंने फिल किया था। अब मुझे यहाँ यही सेम कलर करना है क्योंकि मैं ये आगे बढ़ता जा रहा हूँ, जो तो मेरी कमांड होती जा रही है उसमें मैं ये कलर करता जा रहा हूँ। चलिए कमांड की मदद से करते हैं ऑल्ट एच एच, और यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे और ये एंटर हो गया। अब मेरी सेवंथ कमांड है ऑल्ट एच बी यू। ऑल्ट एच बी यू का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑल्ट एच यानी कि होम और बी से, ठीक है, बी से हमारा आ जाता है बॉर्डर के अंदर, और U से आता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डबल बॉर्डर, ठीक है, टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, तो इसका ये यूज हो जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। ये मैंने एरिया सेलेक्ट किया ऑल्ट एच बी यू, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, डबल अंडरलाइन हो चुकी है इसकी, ठीक है, ये हो चुका है। अब आते हैं ऑल्ट एच एम सी, यानी कि ऑल्ट से होम, एच से हम होम में जाएंगे, उसके बाद एम और सी है, यानी कि एम से क्या होता है, यहाँ आते हैं मर्ज में और सी से सेंटर में, ठीक है। तो जैसे ही हम एम सी प्रेस करेंगे तो ये जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है सेल के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं कैसे। देखिए अभी ये जो सेल है, पहले इसको हम बॉर्डर कर लेते हैं ताकि देखने में थोड़ा ठीक लगे, उसी की मदद से प्रैक्टिस भी साथ साथ में होती रहेगी। ऑल्ट एच बी ए, ये देखिए कितनी जल्दी हमारा बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। देखिए अब ये नाम है जो सेल के इस साइड में आ रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड में, हम चाहते हैं ये सेंटर में आ जाए इस सेल के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ से जाके इसको सेंटर करेंगे, तब ये सेंटर में आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं सेंटर में ऑल्ट की के साथ जो हमने शॉर्ट की बनाई हुई है उससे हम करें, ताकि हमारा काम आसान हो सके और हम स्पीड से इसको कर सकें कम से कम समय में। तो हम कैसे करेंगे, चलिए ऑल्ट की मदद से हम इसको करते हैं। देखिए यहाँ मैंने की लिखी हुई है ऑल्ट एच एम सी। आपको सिर्फ ये सिलेक्ट करना है एरिया जो इसको भी आपको सेंटर में लेके आना है, और करना है प्रेस ऑल्ट एच एम सी। देखिए जैसे ही मैंने प्रेस किया ये सारा डेटा मेरा सेंटर में आ चुका है। कोई इसमें इशू आ रहा है शायद, ठीक है, इसको आप करेंगे तो हो जाएगा, अभी यहाँ कोई इशू है, ठीक है। तो फिर हम दूसरी कमांड देख लेते हैं। इसमें ये था हमारा सेंटर में करने के लिए, ठीक है, और यहाँ जो है हमारा ये ऑल्ट एच ए सी, यानी कि ये ए है जो यहाँ पे यूज हो रहा है हमारा अलाइनमेंट के लिए, यानी कि ऑल्ट एच ए जैसे ही हम करेंगे, ए होता है हमारा ऑल्ट एच, हम होम में आ चुके हैं, और ए होता है हमारे यहाँ पे अलाइनमेंट के लिए। तो अगर ए सी कर देते हैं हम तो सेंटर में हो जाता है, और ए एल करते हैं तो उसलिए हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो हम ये वाला कमांड जो हम यूज कर रहे थे ऑल्ट एच एम सी, ये मर्जन सेंटर के लिए था। जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक का कोई डेटा चूज कर लेते हैं ये, ठीक है, तो ये मर्जन सेंटर हो जाएगा ऑल्ट एच एम सी, यानी मर्जन सेंटर। तो ये जो डेटा है हमारा टोटल सेंटर में आ जाता है इसमें,
ठीक है, डेटा सेंटर में जाता है, सारे सेल्स के अंदर मर्ज हो जाते हैं। ये मर्ज एंड सेंटर की जो शॉर्ट की है ऑल्ट एच एम सी। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसको कैसे, इसको हम हटा देते हैं, अनमर्ज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ जैसे मैंने आपको बताया था इस तरह से सेंटर में लेके आने हैं हमें, तो वो हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। Alt H A C, Alt H C, मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगा और सारे के सारे वर्ड सेंटर में आ जाएंगे। Alt H A C यानी कि अलाइनमेंट करना है और सेंटर में लेके आना है। देखिए सारे के सारे ये सेंटर में आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ ये राइट में चले जाए, इसी को मैं यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करूंगा और लिखूंगा Alt H A R, तो ये राइट में चले जाएंगे। तो ये हमारी दो कमांड और हो चुकी है। हमारी L यानी कि आप समझ ही गए होंगे L से क्या होने वाला है। L से होने वाला हमारा एक जैसा डेटा पहले था वैसे हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट में हम चला जाएगा। Alt H A L ये हो जाती है लेफ्ट में, जैसे था पहले वैसे ही हो गया। तो इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हो। तो आज हमने इस तरह से सीखा है। बेसिकली हमें पता ये करना था इसमें कि ऑल्ट का की का हम यूज करते कैसे हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ऑल्ट जैसे ही हम प्रेस करते हैं हमारे सारे टैब ऑन हो जाते हैं, और इसके बाद अगर हम होम एच प्रेस करते हैं यानी होम में आ जाते हैं, और एन करेंगे तो इंसर्ट में चले जाएंगे, और पी करेंगे तो पेज लेआउट, और एम करेंगे तो फॉर्मूलाज, और ए करेंगे डेटा रिव्यूज व्यू एंड हेल्प के लिए वाई। तो ये सारा हमारा दिया हुआ है, यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आज छोटा सा वीडियो मुझे बनाना था इसलिए मैंने आपको सिर्फ इतनी कमांड का यूज़ करके दिखाया है। आप चाहे तो आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे और सारी कमांड का जो भी इसमें दी हुई है उन सब का यूज़ करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।